गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई को क्षत्रिय करनी सेना परिवार की धमकी के बाद विश्नोई समाज लॉरेंस के समर्थन में उतर आया है। विश्नोई टाइगर फोर्स ने लॉरेंस के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि विश्नोई समाज शिकारियों, जिहादियों, राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करनी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये बहुत गलत है और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। लॉरेंस के समर्थन में उतरा विश्नोई समाज। एनकाउंटर पर विश्नोई समाज की चेतावनी। लॉरेंस के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी। एक तरफ गैंगस्टर के एनकाउंटर के लिए इनाम का ऐलान, तो दूसरी तरफ लॉरेंस के समर्थन में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन की चेतावनी। गैंगस्टर के लिए जान कुर्बान कर देने वाले विश्नोई समाज की मोहब्बत। सीधे शब्दों में कहे तो विश्नोई समाज और क्षत्रिय करनी सेना परिवार अब आमने सामने आ चुका है। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई को क्षत्रिय करनी सेना परिवार की धमकी मिलने के बाद विश्नोई समाज ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि विश्नोई समाज का बच्चा बच्चा लॉरेंस के साथ है। धमकी के बाद उसे सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। वहीं राज सिंह शेखावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। सभी साल से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए समाज आ रहा है, उसमें उन्होंने कोई बात करती उसको इतना मुद्दा बनाकर जिस तरीके की बात कर रही है, ये बहुत गलत है और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। अगर कानूनी रूप से लॉरेंस का संरक्षण होना चाहिए और अगर नहीं हुआ, विश्नोई समाज सड़कों पर उतरेगा, एक एक विश्नोई का बंदा लॉरेंस की जो है समर्थन मोत्र के उसकी जो है उसकी पैरवी करेगा और उसको आजाद करवाने की जो अपनी कानूनी भी लड़ाई लड़ेगा। आने वाले समय में विश्नोई समाज सक्षम है। दरअसल मंगलवार को गुजरात में क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस विश्नोई के एनकाउंटर के लिए करीब 25,000,000 रुपए देने का ऐलान किया था। डॉक्टर राज शेखावत का कहना था कि जो भी पुलिस वाला लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा उसे इनाम के साथ उसके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रिय करनी सेना परिवार की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद विश्नोई समाज के कुछ संगठनों ने भारी आपत्ति जताई है। सोशल मीडिया पर राज सिंह शेखावत का वीडियो सामने आने के बाद विश्नोई संगठन भी लॉरेंस विश्नोई के पक्ष में सामने आ गए हैं। इन धमकियों के बीच अब आपको ये भी जानना जरूरी है कौन है राज सिंह शेखावत और उन्होंने लॉरेंस के एनकाउंटर पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम क्यों घोषित किया। राज शेखावत क्षत्रिय करनी सेना परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राज शेखावत के इंस्टाग्राम पर 4.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा रखा है। उन्होंने अपनी प्रोफाइल में खुद एक्स बीएसएफ और एमबीए पास बताया है। इसके अलावा प्रोफाइल में उन्होंने खुद को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन वॉरियर भी बताया है। क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत पहले बीजेपी में थे। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। अब सवाल ये कि उन्होंने क्यों लॉरेंस के एनकाउंटर पर इनाम का ऐलान किया। दरअसल करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या से नाराज हैं। करनी सेना लॉरेंस को गोगामेड़े की हत्या के लिए मानते हैं जिम्मेदार। दरअसल 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़े की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी।
लॉरेंस गैंग के खास सदस्य गोल्डी बराड़ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि सुखदेव की हत्या उन्होंने की थी। लॉरेंस फिलहाल गुजरात की जेल में बंद है। ऐसे में एक तरफ विश्नोई समाज उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान है, क्षत्रिय कर्णी सेना की धमकी और विश्नोई समाज की चेतावनी के बीच अब देखने वाली बात ये होगी लॉरेंस पर शुरू हुआ विवाद कहां जाकर थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।